हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और साथ ही साथ उसके डिफरेंस देखे थे। अगर आपने पिछली क्लास ना देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। साथ ही साथ इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें, इससे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? कोई पैसा तुम्हारा लगने वाला नहीं है, बस एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा मेरा, राइट? क्लियर है? और साथ ही साथ अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हम ज्यादा टाइम नहीं इन सब चीजों में गवाते हैं, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है। देखो यहाँ पे बात ये कहता है, टू नो डेवलपमेंट एंड मेजर इट वी कंसिडर वेरियस फैक्टर। देखो अब हमें कैसे पता चलेगा भाई डेवलपमेंट हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा किसी का ग्रोथ हुआ है? सो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं एंड आइडेंटिफाइड एज ए इंडिकेटर स्टैंडर्ड और मेजरिंग स्केल। और ये जो फैक्टर्स होते हैं, यानी जिन अलग अलग फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं, दीज फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड एज और नोन एज अ इंडिकेटर स्टैंडर्ड और अ मेजरिंग स्केल। इन्हीं को हम इंडिकेटर भी बोलते हैं, इन्हीं को हम स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हम इन्हीं को मेजरिंग स्केल भी बोलते हैं। नाउ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल स्टैटिकल टर्म कंपेयर टू कंट्रीज एंड टू पीरियड्स। अब बात को ध्यान से समझना, जब हम हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है उसको अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में या स्टेटिस्टिकल फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि हम इजिली कंपेरिजन कर सकते हैं। बात को ध्यान से समझो, हम इजीली क्या करते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं दो लोगों के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में, दो पीरियड्स के बीच में, राइट? और इसी वजह से टोटल चार इंडिकेटर्स इंक्लूड किया हुआ है। पहला है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, तीसरा है PQLI मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और चौथा है HDI जिसमें से आपका ये और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर स्टेज पे आपको मिलेगा, 11, 12, कॉलेज, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर जगह आपको मिलेगा, राइट? अब इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट कहा क्योंकि ये दो ऐसे हैं जो इनके भी कहते हैं ना वो वाले हैं, इनके भी बड़े वाले हैं, समझे? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। फिलहाल हम आज की अपनी क्लास में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, यानी फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक हम कवर करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम एंड ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे लिखा गया है रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन द कंट्री अटेन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो अगर किसी भी कंट्री का जो रियल नेशनल इनकम है अगर वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, राइट? अगर किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बात को ध्यान समझना, फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन वी कैन से दैट द कंट्री हैज अटेन्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रेट ऑफ राइज इन अ नेशनल इनकम इज हाई देन डेवलपमेंट इज अ हाई। देखो अगर कंट्री का नेशनल इनकम हाई है तो मैं बोल सकता हूं कि कंट्री का डेवलपमेंट भी क्या है, हाई है। रेट ऑफ राइज इन अ नेशनल इनकम इज इंक्रीज एट अ लोअर रेट, और अगर मान लो इंक्रीज हो रहा है लेकिन लोअर रेट से हो रहा है, जैसे कि मतलब पहले 10 था, फिर 15 हुआ, फिर 8 हो गया, 9, 7 हो गया, 6 हो गया, ऐसे इंक्रीज तो हो रहा है, देखो इंक्रीज है लेकिन क्या है, लोअर रेट से है, तो जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो भी कैसा है, लो है। और अगर मान लो नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं हो रहा है, इट डज नॉट इंक्रीजेस, इट मीन द स्टेट ऑफ इग्नेंसी सॉरी स्टेग्नेंसी, मतलब क्या है, वो रुका हुआ है, ठीक है, एक ही जगह पर स्थिर है। और अगर नेशनल इनकम डिक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम अंडर डेवलपमेंट की कैटेगरी में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, अंडर डेवलपमेंट की कैटेगरी में जा रहे हैं, यानी कि हम नेगेटिव डेवलपमेंट में जा रहे हैं, जो अभी कोरोना सिचुएशन में लगभग कंट्रीज के साथ ये फेस करना पड़ रहा है कि मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं अंडर डेवलपमेंट की कैटेगरीज में जाती जा रही है क्योंकि उनका जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्लियर है? नेशनल इनकम कैलकुलेटेड ऑन रियल इनकम नॉट ऑन मनी इनकम। अभी इस बात को ध्यान से समझना, क्या लिखा है कि नेशनल इनकम कैलकुलेटेड ऑन रियल इनकम नॉट ऑन मनी इनकम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी देश का जो रियल इनकम होता है, राइट, जो नेशनल इनकम होता है वो किस पे कैलकुलेट होगा, रियल इनकम पर, ना कि मनी इनकम पर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रियल इनकम और मनी इनकम होता क्या है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रियल इनकम और नेशनल ये मनी इनकम क्या है। देखो
जो हमारा रियल इनकम होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब भी मैं बात करता हूँ रियल इनकम की, ये याद रखना थोड़ा आपको काम आएगा कि जब भी मैं बात करूंगा रियल इनकम की, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी परचेसिंग कैपेसिटी की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, परचेसिंग कैपेसिटी यानी कि परचेसिंग पावर की, कि आपके पास परचेसिंग पावर कितनी है, वही आपकी क्या है, रियल इनकम है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ मनी इनकम की, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जब मैं बात करूंगा मनी इनकम, तो मनी इनकम की मतलब ये है कि तुमने कितना कमाया, तो बेसिकली यू अर्न, हाउ मच यू अर्न, राइट। तो मैं अर्निंग की बात करता हूँ कि भाई तुमने कितना कमाया। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि जो हमारा नेशनल इनकम है बेसिकली वो कैलकुलेट होता है हमारा परचेसिंग पावर पे, ना कि हमारा अर्निंग इनकम पे, राइट। तो यहाँ पे देखो लिखा भी गया है कि जो रियल इनकम होता है बेसिकली वो कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेशन होता है, ठीक है। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं जब भी वो कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो हमेशा कोई कांस्टेंट प्राइस लेके चलते हैं कि उस समय पे परचेसिंग पावर क्या थी, उसी को लेके चलो। लेकिन जो मनी इनकम होती है बेसिकली वो करेंट प्राइस पर होती है, क्योंकि हर बार तुम जितना पैसा पाओगे उतना ही माना जाएगा। जैसे कि 5,000 सैलरी, तो 5,000, 10,000 तो 10,000। लेकिन जब वो कैलकुलेशन करने बैठेंगे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, तो वो किसी एक ईयर को एज अ बेस ईयर ले लेते हैं, तो दैट्स व्हाई कांस्टेंट प्राइस लेते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो ये आपका जो कांसेप्ट था वो था नेशनल इनकम का कांसेप्ट। आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। देखो पर कैपिटा इनकम जब कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, तो कोई भी कंट्री जो है हमारा, हम उसको बोल सकते हैं कि भाई द कंट्री हैज अटेंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि पर कैपिटा इनकम होता क्या है। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जैसे कि हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री का जो भी टोटल इनकम होगा उसको ऐड कर दो, साथ ही साथ उसके डिवाइड में टोटल पॉपुलेशन, मतलब 1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ की आबादी डिवाइड कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि पर कैपिटा इनकम हमारी क्या है। जैसे चलो ये एग्जांपल बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक फैमिली की बात करता हूँ, ठीक है, एक फैमिली को ही मैं कंट्री मान लेता हूँ। जैसे कि मान लो मेरी फैमिली में हम 5 लोग रहते हैं, ठीक है, कितने लोग रहते हैं, हम 5 लोग रहते हैं ऐसा मान लो, और हमारी घर की जो इनकम है वो है 20,000। कितनी इनकम है? 20,000। तो 20,000 डिवाइड बाई 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4,000। इट मींस कि हमारे घर की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी आ जाएगी? 4,000 आ जाएगी। क्लियर है? अब इसी को अगर मैं कंट्री में कन्वर्ट कर दूं कि भाई ये जो फैमिली नहीं उसको कंट्री मान लो, तो उसी तरह से जो कंट्री की टोटल इनकम होगी और टोटल पॉपुलेशन होगी। ओके, क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, इट टेक्स पॉपुलेशन ऑफ कंट्री टू सो सुपीरियर देन नेशनल इनकम। अब देखो जैसे जैसे हमारा जो इंडिकेटर्स होता है वो इंक्रीज होता है, मतलब पहले क्या आया था? नेशनल इनकम, फिर आया पर कैपिटा इनकम। तो कहीं ना कहीं जब पर कैपिटा इनकम आया तो नेशनल इनकम से अच्छा ही होगा। तो ये अच्छा क्यों है? व्हाई इट इज सो सुपीरियर? बिकॉज इट काउंट्स पॉपुलेशन आल्सो। इसके पहले वाला जो था वो पॉपुलेशन को काउंट नहीं कर रहा था, लेकिन ये पॉपुलेशन को भी काउंट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज मच बेटर देन द नेशनल इनकम। Now, it was suggested by the experts of UNO. तो आपको ये याद रखना है कि नेशनल इनकम वॉज सजेस्टेड बाय द UNO। MCQs में पूछ सकते हैं, 1 marks में आ भी सकता है, राइट। नाउ द पर कैपिटा इनकम हाई एंड इट्स ग्रोथ इज हाई। देखो पर इनकम जो है हमारी वो भी हाई है, ग्रोथ भी हाई है, तो मतलब डेवलपमेंट हुआ है, राइट। नाउ द पर कैपिटा इनकम राइजेस एट अ फास्टर रेट, बढ़ रहा है लेकिन बहुत स्पीड में बढ़ रहा है, देन डेवलपमेंट इज ऑल्सो फास्ट। जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? स्लो रेट से। तो डेवलपमेंट भी कैसा है? स्लो है, राइट। पर कैपिटा इनकम इज कांस्टेंट। अगर पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट है तो मतलब जो सिचुएशन है कंट्री में वो कैसा है? स्टेग्नेशन है, यानी वो भी क्या है? कांस्टेंट है। और अगर ये नेगेटिव हो गया, मतलब गिर गया पर कैपिटा इनकम, तो मतलब जो हमारे कंट्री का डेवलपमेंट है वो भी क्या हो गया? गिर गया, मतलब वो भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद है हमारा कि अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्ट होता है किसी भी कंट्री का, जो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि फाइनल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है? इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंट्री के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंक्रीमेंट करना। दैट्स वाई जो पर कैपिटा इनकम है वो बेस्ट माना गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर इंसान को काउंट करता है, सभी लोगों को ये इंक्लूड करता है, राइट। नाउ एज लीड्स टू फिजिकल बेटरमेंट ऑफ पीपल, सो इट इज रियल इंडिकेटर। देखो पर कैपिटा इनकम को बेस्ट क्यों माना गया है कंपेयर टू द नेशनल इनकम, बात को ध्यान समझना, उससे इसको बेटर क्यों माना गया है? क्योंकि ये बात करता है पर कैपिटा इनकम की, हर इंसान की इनकम की बात करता है। जब हर इंसान की इनकम की बात करेगा तो कहीं ना कहीं अगर हर इंसान के पास पैसे होंगे तो उनका जो फिजिकल लाइफस्टाइल होगा वो भी क्या होगा? बेटर होगा। दैट्स व्हाई इसको बोला गया भाई इट इज अ रियल इंडिकेटर।
ओके क्लियर है। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप PQLI और HDI, ये दोनों हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, और अगर समझ में आ गई हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और इसी तरह से हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।